पार्टीबाजी बनाई है धर्म सिंह चक्कर, और कुछ नहीं करा। हर गांव में पार्टीबाजी बनाई है बस। अच्छा जी। हाँ, हर परिवार हर परिवार पार दिया उन्होंने पूरे गांव में। आप कौन, आप किस गांव से? डाडोला गांव है जी। हम तो देनी था भी भाई, पर बन रहा धर्म सिंह ने। बन रहा? बन रहा धर्म सिंह। हाँ, 1,15,000 बन रहा। देख चौकर। हाँ चौकर। नुके है, अब की बार नहीं पूछ रहे कोई। इनकी बार तू देख लिए, इनकी बार है ना, पिछली बार तो 86,000 का बना था, इनके 1,15,000 का बनना है, या देख लिए तू भाई। संभाल के हड़के में आज तक तो भाजपा नहीं आई क्या आपकी? ई बागी भाई, ई बागी 100% कैंडिडेट नहीं था, कैंडिडेट बहुत बढ़िया मिल रहा हमने। अच्छा। हाँ, ठोक का कदी कदी फरीदाबाद जाना पड़ा गाड़ी ले लेके? 1.5 लाख बट्टो तो आगे है भाई साहब, पुरारे पड़े बुढ़े भी बैठे, इनते ही पूछ लेंगे। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। राम राम। क्या है जी माहौल? बस सब बढ़िया है जी, दिखना है आप क्या क्या गए। अच्छा जी, कहाँ से हो आप? हम अट्टे के। अट्टे के? वो अच्छा, अट्टा बड़ा गाँव है जी। क्या माहौल है जी, आप तो आए होंगे, सुना कुछ समझ में आया? दिखने तो लग रहा है सब बढ़िया है, मोल दिखना यार बढ़िया, मजा घटिया दिख रहा है। अच्छा जी, बढ़िया मोल। नु कहे धर्म सिंह छोकर और बढ़िया पारी निकाल लगा भाई, वो कच्चा करेगा जी, वो देख लेंगे। अच्छा, देखते यू का देखते इसका तो दिया लगा हमने तो। अच्छा जी। हां, नु कहे आज लो जितनी नहीं भाजपा यहां से पार्टीबाजी बनाई है धर्म सिंह चक्कर, और कुछ नहीं करा। हर गांव में पार्टीबाजी बनाई है बस। अच्छा जी। हाँ, हर परिवार हर परिवार पार दिया उन्होंने पूरे गांव में। आप कौन, आप किस गांव से? डाडोला गांव है जी। एक सरपंच नरेश रावल। नरेश जी, रावल जी, जैसे कि आप कह रहे कि भाई हर जगह पार्टीबाजी कर दी, माहौल खराब कर दिया, तो जब आपने चुनाव किया था उस दौरान भी तो चुनाव जीते थे? कब? अभी मौजूदा विधायक हैं, चुनाव जीते हुए हैं। चुनाव हमने जब इसमें था, ये कुलदीप विश्नोई सरकार में बना था, इन्होंने हमारे उस टाइम पर सरपंच था जी, हमारे गांव की 17 किलो पर नजायज कब्जा करवा दिया, गांव तरान पर। अच्छा। हाँ जी, कब्जा करवा दिया। कब्जा करवा दिया था जो हमने छटवाया जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, संत गोपाल दास जी बैठे थे अनशन पर, जब जाकर पुलिस फोर्स आई थी, जब जाकर कब्जा छटवाया था। तो रावल जी मतलब कब्जाधारी है भी है? कब्जा छटवा दिया जी, आधे का छटवा दिया था। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा जी, मनमोहन बढ़ाना है जी, जिसके आपने बिल्ला लगाया और आप उनकी सेवा कर रहे हैं, घूमते फिर रहे, वोट मांग रहे, ये कहें जी बाहरी है ज्यादा ही? क्यों बाहरी, इनके पिताजी ने तो पार्टीबाजी और हर गांव की तो पार्टीबाजी खत्म करी जी, और जी पर्ची खर्ची सब खत्म कराया इनके पिताजी ने तो। हाँ जी, हमारे गाँव में हमारा जो मकान है वो फीणी, हमारे घर के पास फीणी का फीणी है जी। अच्छा जी। हमारे घर के पास, और फीणी में दूसरे के मकान बने हुए थे, हमने वो खुलवाया, आज राजदा खोला नहीं हमने, जो जबरदस्ती मकान मतलब अपना रास्ता ले लिया। रास्ता लेने के बाद जैसे जो जिसका मकान था वो बटाणा साहब का खास आदमी था, लेकिन बटाणा साहब ने वहाँ फोन किया ना थाने में, उन्होंने यही बात कही, वो दोनों पार्टी में इनका फैसला कराओ ना कि पार्टीबाजी करवाई, पार्टीबाजी नहीं करा इन्होंने। अच्छा। फैसला ही करवाया, तो मतलब फैसले लेने की क्षमता अच्छी है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी है जी। अच्छा, और रविंदर मछरोली है, वे भी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। देखो तो दुनिया आज बरुदा से उन्हें कोई फायदा थोड़ा। हाँ, वे भी कह रहे हैं कि अब की बार हम ये दोनों पट करके बैठ जाऊंगा। अच्छा, जी 1 लाख वोटों से जीत है, 1 लाख वोट कम से कम है जी इसकी, इससे ऊपर ऊपर है। खाता नहीं खुला जी आज लो आपका यहाँ से बीजेपी का, अब की बार बढ़िया वोटों से खाता खुलेगा जी। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया वोटों से। ऐसे ही है कि जी बीजेपी खाता खोलने जा रही है अब की बार यहाँ से? सही बात है, है जी, सही बात है बिल्कुल। अच्छा जी। हाँ जी। नुगे बीजेपी में तो डाडोला गाँव में शशिकांत भी जीत के जा रहे हैं 2 बार, और ये भी दोनों बार, तीसरी बार, हर बार जीत के जा रही है डाडोला गाँव में बीजेपी जी। शशिकांत जी का तो सुनने में आया जी नुगे तो धर्म सिंह छोकर को सपोर्ट करने लगे थे। ऐसा जी, पब्लिक है, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ, बीजेपी का आदमी है कैसे जाएगा वो, ऐसा कुछ नहीं है जी। ब्राह्मण नाराज हो रहे थे तभी जाकर ने भजनलाल शर्मा जी बुला, वो तो एक दो आदमी ऐसा होकर जी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, नाराजगी कुछ नहीं है, वो बीजेपी के साथ ही है। ब्राह्मण नाराज थे तभी बुलाया ने आज? हाँ, कोई बात नहीं, हो तो फिर अपने कर दी पूरी। अच्छा। ब्राह्मण खुश हो, खुश है अब। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही बात है, कुछ हो रहा है? सही बात है बिल्कुल जी। धर्म सिंह छोकर क्या हो गए? धर्म सिंह हमारे गाँव में तो थोड़ा ही है। अच्छा, बीजेपी का था। नुगया मैं सबके यहाँ जाऊँ, चाय भी पी लूँ। कौन कह रहा है? धर्म सिंह छोकर सब तबिल्ला में तो पता नहीं, हमारे यहाँ तो कोई गाँव नहीं। आपका गाँव? गाँव चुलकाना जी। चुलकाना तो बड़ा गाँव है। हाँ, फिर जी भी तो कह रहा हूँ, तो रात भी प्रोग्राम कर रहा था मैं, तो सभी करते हैं प्रोग्राम आप अपने। अच्छा, और क्या, पहले भी आए मिलने? पहले भी बहुत आए, दो अभी सब ना कटिया काट रखे। ये भी अभी भी आए मिलने? कौन? ये मनमोहन बढ़ाना। मनमोहन बढ़ाना भी 3-4 बार जा लिया गाँव में, सभी तो बढ़िया मनमोहन बढ़िया है। हाँ ताऊ जी, कहाँ आए आप? अट्टे से। अट्टे के? अच्छा जी, चलो तो रैली होली, अब घर जाओगे तुम, चाय पियोगे, वोट भी दबोगे,
हाँ वोट तो दबा ही है और क्या करते हैं। संशय है अभी धर्म सिंह चौकर की डाल लोगे? धर्म सिंह चौकर की डाल। अच्छा इन्हें क्यों डाल लोगे नो बताओ? हम तो उसकी डाल लेंगे चाबी वाले की। चाबी वाले की? अच्छा है। अच्छा हमारी ओर से कोई बना हम तो उसको डालेंगे। अच्छा हाँ जी जेजेपी। हाँ जेजेपी। अच्छा हर सिलाई मशीन चला रहा रविंदर मछरुल्ली? कोई चलाओ सिलाई चलाओ चाहे कुछ जाल चलाओ हमने तो चाबी पर लगानी है। अच्छा ताला खोलना है। ताला खोल दो। अच्छा जी हाँ जी नु गया जमानत बचा लो की बार चाबी वाले नहीं जमानत बचो से ना बचो। अच्छा हाँ वोट उड़े लगे पक्के वोटर हो? पक्के का तू समर्थन दे दिया? हाँ दे रखा समर्थन तो आज का दे रखा। अच्छा आज फिर यहाँ देखा साल हो लिए। अच्छा आज यहाँ से आए थे? ना यहाँ कर आए थे। अच्छा यही हो बस यही? हाँ यही हो खड़े दम ये आगे यहाँ से। हाँ बस। अच्छा क्या माहौल है क्या किस किस लिए दे रहे चाबी? माहौल तो हमने हमारा भाई है हम तो देनी चाबी पर बन रहा धर्म सिंह ने बन रहा बन रहा धर्म सिंह। हाँ 115,000 से बन रहा देख चौकर। हाँ चौकर नू कह अब की बार नहीं पूछ रहे कोई की बार तू देख लिए अब की बार है ना पिछली बार तो 86,000 का बना था अब के 115,000 का बनना है या देख लिए तू तुम्हारे काम में ना 15-20 वोट आता है चाहे तू बैठे जाओ कोई जब मैंने बता दिया तू 8 तारीख ना गिनती होगी जब देख लिए 8 तारीख ना गिनती होगी देख लिए मेरी बात सुन सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है और या 40 साल माई थी 40 साल बाद काम करेगी बीजेपी सरकार 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 तो चटा देगी बगैर बीजेपी सरकार बीजेपी वोट लेके जा रहा कम बन रहा है चौकर कुछ नहीं बन रहा पति 100% लिखट गया भाई जीत गया जीतता पड़ा आज की रैली में चौकर। अरे चौकर चौकर नहीं बढ़ाना कन्वीज होगा मारा बढ़ाना साहब। अच्छा हाँ 100% जीत रहा भाई क्या कारण देख लो आप रैली देख लो कितनी तगड़ी भीड़ हो रही है आज। अरे बुला लिए होंगे आप लोग इकट्ठे करे होंगे दीपक भाई करनाल ता है ना, ना ना भाई साहब करनाल ता नहीं हम तो नेड़े ता है। अच्छा हाँ यहीं तो ही आए हम तो। अच्छा एक तरफा जीत रहा भाई एक तरफा गति ब्राह्मण राज चले थे इसलिए भजना शर्मा बुलाना पड़ा ब्राह्मण भी 1-2 एकदम आगे सारे के सारे। अच्छा जी हाँ जीरो है बिल्कुल भाई जीरो यो तेरा यो कांग्रेसी। अच्छा जी हाँ जीरो बिल्कुल रविंदर मछरोली रविंदर मछरोली भी भाई खत्म है। अच्छा जी हाँ कुछ नहीं है भाई उन्होंने तो कह रहे मैं तो सबको घुमाऊं मैंने वैन ने भी लगवा रखी है थोड़ा कुछ हो जाएगा कमाने थोड़ा कुछ हो जाएगा काम बोल रहा है काम बोल रहा है सब दबरा काम बोल रहा काम लो तो आज लो थारा खाता तो खुला नहीं आज खाता सब कुछ खुल रहा भाई आज तक नहीं शुरू से खुल रहा संभाल के मैं। हाँ संभाल भाई संभाल के हड़के मैं आज तक तो भाजपा नहीं आई क्या आपकी ई बागी भाई ई बागी 100% कैंडिडेट नहीं था अभी कैंडिडेट बहुत बढ़िया मिल रहा हमने। अच्छा हाँ ठोक का कदी कदी फरीदाबाद जाना पड़ा गाड़ी ले लेके 1.5 लाख बट्टो तो आ गया भाई साहब। अच्छा जी हाँ चलो 1.5 लाख वोटों से जाए इन लोगों से बात कर ली फिलहाल हाँ इतना खबर में इतना ही धन्यवाद। चल तो इस वक्त जो भजन